श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ो और वेद विचारो निमल पुंगम साधे पाठ पढ़ो और वेद विचारो निमल पुंगम साधे बाणी परम पावन बचन पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे हन जिन्हां ने राग सोरठ विच बाणी उचारण कीती है ते गायन वास्ते घर दूजे विच गाउण दा हुक्म कीता है। सो बड़ी ही उत्तम बाणी है। आओ ये बाणी नूं विचारन तो पहला एक मिनट वास्ते महाराज के चरणों नाल जुड़िए। सानू तेरे चरणों दा आसरा होर आसरा ना कोई सानू तेरे चरणों दा आसरा होर आसरा ना कोई सानू तेरे चरणां दा चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दिए मन होड़िए मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दिए मन होड़िए सानू तेरे चरणां दा आसरा होर आसरा ना कोई सानू तेरे चरणां दा सानू तेरे चरणां दा आसरा होर आसरा ना कोई सानू तेरे चरणां दा बाहें जिनां दी पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए बाहें जिनां दी पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पइए धर्म ना छोड़िए गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पइए धर्म ना छोड़िए सानू तेरे चरणां दा आसरा होर आसरा ना कोई सानू तेरे चरणां दा। सो ये बाणी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी है।
प्रमाण कर रहे ने, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो निवल पोयंगम साधे। ये संसार ते जीव आया है, इनू पता है मैं संसार तो जाना है, आए दा पता है कि मैं आ गया, लेकिन जान दा पता नहीं मैं कदों जाना है, किवें जाना है, की मालक नू मिलना है कि नहीं मिलना। पर इहदे मन विच एक सवेर तो शाम तक तुड़कू डर पै जरूर रहिंदा है कि मैं मालक नू किवें मिला, क्योंकि आही समा है जिहदे विच मालक नू मिलिया जा सकता है, फिर मिलन दा कोई भी चांस नहीं। पता है, जान बुझ के इस गल तो परे हुंदा है, इग्नोर करदा है उसनू, क्योंकि जे ज़्यादा इस गल च पै जांदा है तां इहनू डर पैदा हो जांदा कि मेरे बाकी दुनिया दे काम जिहड़े हन उह रह जाणगे। सो डरदिआं डराउंदिआं इहनू होर डर अगे आउंदा है, भुल जांदा है, फिर इह पाठ करदा, वेदां दी विचार करदा, साडे शास्त्रां दे मुताबक मतलब जो धर्म पोथियां हन उन्हां दे मुताबक इहो ही है कि बई मनुष्य जोनी जिहड़ी है सब तो उत्तम है। उहदे च चार वेदां दी रचना कीती गई, उन्हां चार वेदां नूं पंडित महात्मा जो हन वह पढ़ते ने, लेकिन पढ़न दे नाल की कदे किसी नूं परमात्मा की प्राप्ति हुई है? पढ़ी जाओ, जिन्हों नहीं पढ़ना आता वह की करेगा? वह अक्षरां तो जाणू नहीं, वह की पढ़ेगा? क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, कि वह मालक नूं नहीं मिल सकता? मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी है कि मालक नूं मिलन वास्ते किसी पाठ की किसी अक्षरां की चक्कर विच पैण दी लोड़ नहीं, वह इन अक्षरों तो परे है। ये अक्षर खिर जाएंगे, वह अक्षर इनमें ना ही, 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन ही माही। अक्षरों से भी बहुत कुछ है, जो ज्ञान है अक्षरों के विचों ही मिलता है, लेकिन ये अक्षर खिर जाएंगे, वह अक्षर इनमें ना ही। इन अक्षरों के जरिए जड़े होर अक्षरों की पछाण सानू होनी है, जड़े होर ज्ञान की पछाण सानू होनी है, वह गुरु तो प्राप्त होएगी, वह इन अक्षरों के जरिए होएगी, लेकिन ये अक्षर खत्म हो जाएंगे, ये अक्षर रहने नहीं, वह अक्षर कित जाना नहीं। सो पाठ पढ़न दे नाल जिन्ना मर्जी तुसी सवेर तो शाम तक रट लाई जाओ, पाठ पढ़न दे नाल कदे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी। कई व्यक्ति ये सोचते ने कि मैं बड़ा वधिया माड़े काम करन नालों, कोई गलत सोचन नालों, पुठा काम करन नालों जे बंदा पाठ करी जांदा है सब तो वधिया, क्योंकि घट्टो घट उहदा जिहड़ा टका है बिरती है वह लगी हुई है। पर लगी होवे तां है ना, रौला इस गल दा है कि बिरती लगती नहीं, जबान पाठ करी जाती है लेकिन मन जिहड़ा है वह हवा दे घोड़े दौड़िया फिरदा है। पाठ करना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन पाठ करद्या करद्या असी कित्थे पहुँचे होंने? जिमें दौलत खां लोधी ने गुरु नानक साहब नूं कहा सी कि हर मत का झलकारा जिहड़ा है वह तुहाडे अंदर पैंदा है, तुसी हिंदू भी हो, सिख भी हो, मुसलमान भी हो, पर तां तुहानूं मुसलमान जाणीए जे साडे नाल नमाज पढ़ लो। कहिंदे जरूर पढ़ांगे, चलो सज्जनो। जदों नमाज पढ़न लगे तां ओह अजे ला इला जिहड़ा अद्धा ही कलमा बोलिया सी चुप कर गए, उन्होंने नमाज कर ली अपनी, दौलत खां लोधी ने नमाज पढ़ ली, लेकिन बाद च पुछदे ने गुरु नानक नूं, हे पीर साडे नाल नमाज तां तुसीं कीती नहीं। कहिंदे मैं तुहाडे नाल नमाज क्यों करदा, तुसीं तां आप ही नमाज नहीं पढ़ रहे सी। कहिंदे असीं तां पढ़ रहे सी तुहाडे सामने, सारे नमाज का पाठ किया, असीं नमाज कीती है। कहिंदे नहीं, तू तो नमाज पढ़ ही नहीं सी रहा, तू तो काबिल च घोड़े खरीद रहा सी, नाल उहदे संगी होर सन। कहिंदे फिर इन्हां नाल पढ़ लैंदे, वह समझ गया कि मेरा मन तो काबिल च तुरिया फिरदा सी। कहिंदे भी ये भी अपने घोड़े की वछेरी जिहड़ी है उहनूं बचाउण वास्ते लग्या सी, मन च एक धुड़कू लग्या सी कि मेरी वछेरी, मेरी घोड़ी की वछेरी जिहड़ी है वह कितें खूह च ना डिग पवे, ये उधर लग्या सी, जबान ही पाठ कर रही सी। उस पाठ का कोई फायदा नहीं, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, वेद पढ़ी जाओ लेकिन मन जिहड़ा है उहदे विच लग्या नहीं, तां सानू ना पाठ का फायदा है ना किसी वेद का फायदा है, कोई फायदा नहीं। जपजी साहब का पाठ कोई कहिंदा जी मैं 5 मिनट च कर लैना, 8 मिनट च कर लैना, दूजा कहिंदा मैं 7 च कर लैना, तीजा कहिंदा नहीं मैं तो 5 मिनट च ही कर लैना। मतलब जिन्ना तेज़ दौड़, जे गड्डी नूं एक्सीलेटर देता
फुल स्पीड से तुसी गड्डी कर रहे हो तो मशीन चल रही है, तुहाडा तो उहदे च कुछ भी नहीं लग्या, एक्सीलेटर तुसी दिता है वो तो थोड़ी गड्डी चल रही है, मशीन चल रही है, थोड़ा तो कोई जोर नहीं लग्या। एवें ही थोड़ा एक अभ्यास बनया होया, थोड़ी जबान जिहड़ी है वह पाठ नूं कर रही है, थोड़ा तो कोई जोर नहीं लग्या क्योंकि मन जिहड़ा है वह किसी होर पासे लग्या होया। सो महाराज फरमाउंदे ने भई जे तू परमात्मा नूं मिलना है इस मार्ग तो एक हट के किसी होर पासे कोई होर मार्ग ढूंढन की लोड़ है, फिर परमात्मा मिलेगा। इदा परमात्मा मिलना नहीं, निवल भयंगम साधे जिमें मोढ़े जड़े ने नीवें कर लेंगे ने, तो जड़ा पेट है उन्होंने अंदर कर लेना, मधाणी अंगू रिड़कना, एक योगा है। ये योगा करन दे नाल कोई नासका बंद करके लंबे साह लैंदा है, कोई पेट नू मधाणी वांगू रिड़कदा है, कोई एक्सरसाइज करता है, वन सवन्नी एक्सरसाइज करता है। वो कहिंदे इन्हां गल्लां नाल तुहाडी सेहत जरूर ठीक रह सकती है, तुसी तंदुरुस्त रह सकते हो, तुहाडे गोडे गिट्टे काम करते रह सकते हैं। पर जे तुसी ये सोचो कि योगा करन दे नाल परमात्मा नाल मेल हो जाएगा, ये संभव नहीं। इहदा ते परमात्मा दा तो कोई मेल ही नहीं, क्योंकि जिन्ने संत महात्मा आए, संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज वड्डे बाबा जी, वो जदों चौकड़ी मार के बैठते सन पता ही नहीं सी लगता किन्ने किन्ने घंटे उन्होंने लंघ जाते, तो इहदा मतलब वो तो योगा करते ही नहीं सी। उन्हां दा जिहड़ा योगा सी वो सातों हो ही नहीं सकता, उन्हां दा जिहड़ा असली योगा सी वो परमात्मा नूं मिलन वाला सी। वो योग दा मार्ग जिहड़ा है वो असी अपनाउणा है, ये वेद ये पाठ इस तो परे जाना है। जिन्ना मर्जी पढ़ लो, पढ़न नाल कुछ भी हासिल नहीं होना, पढ़न नाल कुछ भी मिलना नहीं। तुसी रोज़ दा 101 पाठ कर लो, रोज़ दे 24 पाठ कर लो, रोज़ दा 1 पाठ कर लो, 10 पाठ कर लो, इन्हां पाठां 'च कुछ नहीं पिया। जिन्ना चिर असी मालक दे दरगाह दे विच जाण वास्ते मालक नूं मिलन दा असली यतन ना करिए, वो किहड़ा है वो अज महाराज फरमाउणगे। पाठ पढ़या रे वेद विचारयो, निवल पुंगम साधे, पंच जनास्यो संगना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। देखो ये पंच जन गिणन तो बाद हंकार की गल वखरी की है, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहम बुद्धि बाधे। एक तो काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हों तो खेड़ा छुटिया नहीं, फिर वो हंकार होर वधना शुरू हो गया, होर वधना शुरू हो गया। देखो तुसी क्यों, मैं पाठ कर लेना, मैं पाठ करके आया, बड़ा ध्यान लाया मैं, फिर आके दूजे नूं दसदा कि मैं पाठ बड़ा किया। जिहड़ा मालक नूं मिल के आया वो तो बोलता ही नहीं, वो कहिंदा मैं उहदे दर दा सेवक हाँ, मैं उहनूं की मिल सकदा, उहदी रहमत है, मैं तो उहदी रहमत 'च जिउणा, मेरे कोल कोई पाठ पूठ नहीं। कोई साधु सी तपस्या करता हुंदा सी, बहुत तपस्या की उहने, साक्षात भगवान दे दर्शन होए, प्रगट हो गए भगवान। वो कहन लगे सजना मैं तेरी तपस्या तो बड़ा ही खुश हाँ, बहुत खुश हाँ, तू बड़ी तपस्या की, अज हूँ तू वर मंग लै, या तो मेरी कृपा का फल मंग लै, ते जां तू अपनी तपस्या का फल मंग लै, इन्हां दोनों चो एक फल मंग लै, मैं वो देन नूं तैयार हाँ। साधु नूं माण सी कि मैं तपस्या बहुत की है, कृपा नूं जाणिया ही नहीं उहने कि गुरु की कृपा की हुंदी है, कृपा किड्डी वड्डी चीज़ है, उहनूं इस गल की समझ नहीं आई, तपस्या उन्हें बहुत कर ली। कहिंदा जी मैनू मेरी तपस्या का फल दे दो, बेसमझ सी, बुद्धि घट सी, इन्ना करन तो बाद भी तपस्या का फल मंग लिया। वो कहन लगे तथा अस्तु, तो जिस वेले तपस्या का फल मंगया सब तो पहला वो पत्थर च आवाज़ आई, कहिंदे पहला मेरा फल दे जिहदे ते बैठ के तपस्या की सी। उस पत्थर ने शोर पाया, फिर उस दरख्त चो आवाज़ आई कि जिहड़े मेरी छां दे हेठा बैठ के तपस्या की, पहला वो तपस्या चो मेरा हिस्सा दे। फिर वो कोलो नदी वगदी सी जिहदा पानी रोज़ पींदा सी, वो महात्मा वो रौला पाया कि पहला मेरे पानी दा जिहड़ा फल है वो मैनू दे, नहीं तैनू मैं तपस्या दा फल नहीं दे देना। मतलब हर एक चीज़ जिहड़ी है वो बोल उठी, क्योंकि सारयां दा देनदार सी वो पत्थर ते बैठ के तपस्या की, उन्हें हवा का भी देन दिता,
देना सीगा जिहड़ी उहदा साथ दे रही सी, दरख्तां दा भी साथ दे जिहड़ा मिल रहा सी उहदा भी देन देना सी, पानी दा देन भी देना सी, चिड़िया कबूतर सारे उहदे बोल पए कि असीं भी इहदी तपस्या दे विच हिस्सा पाया। तां महाराज कहण लगे बई तेरे कोल तां बचा ही कुछ नहीं। कहिंदे महाराज जी मैनूं आपदी किरपा दा फल दे दिओ, इह मैनूं पता ही नहीं सी। क्योंकि किरपा जदों दित्ती किरपा दा फल दित्ता कोई बोलिया ही नहीं, जदों उहने रहमत कर दित्ती किसे दा की मतलब कि कोई बोले कि इहदे ते क्यों रहमत कीती मेरे ते क्यों नहीं कीती। गुरु की किरपा नूं कोई जाण ही नहीं सकता कि वह किड्डी वड्डी किरपा है। वह किरपा का फल ना किसी कोल है दुनिया दे विच ते ना कोई दे सकता है। सब तो उत्तम चीज़ है गुरु किरपा। जिन्ना चिर वो नहीं हुंदी होर हंकार वधदा जांदा है, क्योंकि असीं मन मत दे जरिए उस परमात्मा नूं मिलन दा यतन करदे हाँ, मन मत दे जरिए पाठ करदे हाँ, मन मत दे जरिए तपस्या करदे हाँ, जिहड़ी गुरु नूं चंगी नहीं लगदी। इस करके परमात्मा सातों दूरी बनाई रखदा, परमात्मा साढ़े नेड़े नहीं हुंदा, वो महाराज साढ़े नेड़े नहीं हुंदा। कई व्यक्ति ऐसे हुंदे ने कोई महाराज नाल सुरत जुड़दी है रहमत करदे ने ते ओ कहंदे ने ओ साफ ही दसन लग जांदे ने कि आ गल तां इहो है। वो कहंदे भई महाराज दे शरीक नहीं बनना, जे किसे नूं कोई माड़ी मोटी कोई ज्ञान दी चिणग आ भी गई उहनूं बोलना नहीं, हजम करो। इन्ना कुछ खा के पचा लैंदे हो, कौड़ा कसैला खा के पचा लैंदे हो, किसी दीआं चार गल्लां सुन के पचा लैंदे हो, किसी दा देना लैना पचा लैंदे हो, बोलदे ही नहीं कि उहदा मैं इन्ना देना है। तो गुरु महाराज की इन्नी किरपा वह तुहानूं पचाई नहीं जा सकती, उहनूं तुसीं रौला पाउण लग जांदे हो। महाराज कहिंदे चंगा जा फिर रौला पा ला, फिर मैं तैनूं कुछ दिंदा भी नहीं। मतलब उहदी किरपा जिहड़ी है वह पचाउण वाली हुंदी, उहदे शरीक नहीं बनना। जदों असीं किरपा पचाउंदे नहीं डांडी पिट दिंदे आ रौला पाउंदे आ, उस वेले असीं उहदे शरीक बन जांदे आ। शरीक दा फिर प्यार किहड़ा हुंदा है उह तुहानूं पता ही है। भरा भरा दा शरीक बन जावे उस तों वड्डा दुश्मन कोई नहीं। जे संसार च कोई दुश्मन है तां भरा ते भरा दी दुश्मनी, क्योंकि जदों शरीक बन जांदे आ। ते जे कोई प्यारा है तां भरा ते भरा दा प्यार है, होर किसे दा प्यार नहीं, क्योंकि उहनां च शरीका नहीं। जदों शरीका आ गया दुश्मन बन गए। शरीका किहदे च आएगा? भरा भरा च आएगा, होर किसी च आ ही नहीं सकता। इस करके असीं जे गुरु दे सिख बनना है तां असीं इन्हां तों अहम तों दूर रहना है, हंकार तों दूर रहना है। मैं मेरी नहीं करनी कि जो कुछ कीता है वह मैं कीता है। जे कोई माड़ा मोटा भजन पाठ कीता है हंकार आ गया, सब व्यर्थ चला गया जी। प्यारे इन वेद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। बड़े प्यार नाल, बड़े प्यार नाल कहते प्यारे प्यारे कह के इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। जे तू कर्मा दे सहारे चाहना ना कि मैनू परमात्मा मिल जाएगा, इस तरह मिलता नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। दान पुन कर लै, भजन पाठ कर लै, जिन्ना मर्जी कर लै, परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि वो इन्ना गल्लां तो दूर है, वो इन्ना गल्लां तो परे है। मिलना कित्थों है? तेरे अंदरों ही तो मिलना है, अंदरों ही तो प्रगट करना है। सारा दिन तुसी जेड़ी चीज़ की वरतों करते हो वो है बैड। असी थके थोड़ा जा जाके मंजे ते पै गए, आराम करना है मंजे ते पै गए, सौना है मंजे ते पै गए, खाना है मंजे ते बह गए। मंजा की है? अग, लकड़ दा बनया होया, लकड़ दे विच की है? अग है। सारा दिन थोड़ा उस चीज़ दे नाल संबंध है जिहड़ी थोनू सारा दिन डराउंदी है कि मैनू अग साड़ के सुआह कर देवेगी, लेकिन उहदे नाल थोड़ा निरंतर जिहड़ा संबंध है वह बनया होया। क्योंकि असीं उहतों परे हो नहीं सकते, लेकिन वह जार नहीं हुंदी, वह जार नहीं हुंदी। अग जिहड़ी है वह थोनू दसदी नहीं कि मैं वह विच हाँ बैठी हाँ। वह किसे समय किसे गल दे जरिए प्रगट होएगी, फिर तुसी दौड़ के बाहर आ जाओगे। लकड़ घर दे विच लगी है वह भी सारी अग है, मंजा है वह भी सारी अग है, कपड़े हन जदों मर्जी इन्हां नू जरा चंग्याड़ा लग जाए अग ही बन जानी है। असीं अग दे विच ही निवास कर रहे हैं। प्यारे इन विध मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। मैं बड़े कर्म किते, लेकिन उन्होंने कर्मों के विचों जे हुण तुसी चंदन का
थोड़ा जा टुकड़ा लैके घसा लिया उन्हूं मत्थे दे उत्ते कई किस्म दियां जिहड़े निशान ने बना ले तो की थोनू परमात्मा मिल जाएगा बनाई जा सारा मत्था लिप लै चंदन दे नाल सारे कन्न भी लिप लै चंदन दे नाल सारी बॉडी ते चंदन लगा ला सुहा लगा ला नहीं मिलना इन विध मिलन न जाए मैं किए कर्म अनेका महाराज ने इन्हां गल्लां तो दूर किया है परे किया है कि इन्हां गल्लां दे वस च ना पै इन्हां भरमां दे वस च ना पै प्यारे इस तरह परमात्मा मिलना नहीं मिलना तो तू परमात्मा नूं है जे असीं सुहा रखांगे लोगों नूं भी दिसेगी भी ये साधु बन गया जे चंदन लावांगे मैनू तो मत्थे ते लग्या चंदन दिसदा ही नहीं मेरे वाल चिट्टे है कि काले है मैनू तो दिसदा ही नहीं दिसदा तो तुहानू है मैनू तो दिसदा ही नहीं फिर मैं वो कादे लई कीता सिर्फ तुहानू दिखाउण वास्ते कि मैनू लोग देखणगे मेरा ध्यान करनगे कि ये तो बड़ा भगत है इन्हें तो मत्थे ते चंदन लगाया होया इन्हें पिंडे ते सुहा मली हुई है इन्हें तो बस्तर ही धारण किए हुए ने नहीं इन गल्लां तो परे हो के परमेश्वर की प्राप्ति होएगी वो अज महाराज दस रहे ने कि किवें किवें की कुछ असी करना है ताकि सानू परमात्मा मिल जावे जी हर परो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका दरबार च अनकंडीशनल सुरेंडर कर जा जाके हार परो हार के डिग पै उहदे दरवाजे ते कि सच्चे पातशाह मैं कोई मेरी शर्त नहीं कुछ भी मैनू आउंदा नहीं दीजे बुद्धि विवेका हार परो स्वामी के द्वारे कहना की है हे सच्चे पातशाह मैनू बुद्धि दे मैनू विवेक दे मैनू ज्ञान दे मैनू पता कुछ नहीं हार के डिग पै उहदे दरवाजे ते जित के ना जा क्योंकि साडे कोल जितन वास्ते की है कुछ भी नहीं साचा साहेब सच नाए पाख्या पाओ अपार वो साहेब सच्चा है उहदा नाम सच्चा है पाख्या कहा जाता है पाओ अपार बड़े प्रेम दे नाल उहदा वर्णन किया जाता है आखे मंगे देहे देहे देखो ज्यों जनू सुरत आई है ये की कहिंदा दे दे सारा दिन हाथ जोड़ के मंगदा है आखे मंगे देह दे फिर वो की कहिंदा दात करे दातार इहनू मंगदे नू वेख के उहनू तरस आ जांदा वो दातां दी बख्शिश कर दिंदा वो कहिंदा चक आही मंगिया सी दो वध भी दे दिंदा आखे मंगे दे दे दात करे दातार हुण तेरे कोल की सी कुछ भी नहीं खाली झोली उहने तेरी झोली भरती फिर हुण तू फेर के अगे रखीए जित दिसे दरबार उहदियां दित्तियां वस्तां दे विच्चों किहड़ी चीज़ उहदे अगे रखेगा कि तैनू दरबार नज़र आ जावे तेरे कोल तां कुछ भी है नहीं जे उहनू सौंपना है उहदी दित्ती दात दे विच्चों ही सौंपेगा जिहड़ी उहने तेरी झोली च भरी है उहदे चों दिंदिआं तैनू बड़ा डर लगदा दित्ता तां उसे नहीं है ना जे भला उह घट दे दिंदा फिर की करदा फिर भी तैनू गुजारा करना ही पैणा सी जे उहने वध देता तां तूं फिर भी दित्ता नहीं जांदा तैनू हौका लग जांदा कि मैं ये पैसे गोलक च पाया वा ये लंगर च पाया वा ये तो मैं बड़े औखे कमाए ने नहीं आखे मंगे देह दे दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार रखा की फिर अगों होर की मूहों के बोलन बोलीए जित सुनतरे प्यार कहने मूहों की बोला जिदे नाल वो सुन के मेरे नाल प्यार करन लग जावे अमृत वेला फिर उन्होंने नाल हल दस्या अमृत वेला सच नाए वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सचियार फिर कहिंदे अमृत वेले उहदा नाम जप अमृत वेले नूं क्यों प्रैफर किया है क्यों इहदी वड्याई गाई है क्योंकि उस वेले ना किसी न्याणे ने तंग करना है ना किसी भुख ने सताउणा है ना किसी काम का समा है ना कोई नौकरी ते जाण दा फिकर है अमृत वेला हर पक्षों फ्री है हर पक्षों किन्ने एक लोग ने जिहड़े अमृत वेले नौकरी ते जांदे ने बहुत घट है जिन्हां नूं शिफ्टां च ड्यूटी देनी पैंदी है अदरवाइज अमृत वेला सब वास्ते वेला है इस करके उन्होंने अमृत वेले नूं प्रैफर कीता वेला कोई भी होवे कित वेला भगती होए कोई वेला भगती वास्ते कोई भी वेला चुनिया जा सकता है लेकिन अमृत वेले की महानता जिहड़ी है वह संतां महात्मा ने वह तो गुरेज नहीं किया इस करके असी उस गल नूं पकड़ना है उस गल नूं फड़ना है कि
कि अमृत वेले उठ के थोड़ा जहा जिन्ना हो सकता है वह समा मालक नू याद करिए, मालक दे नाल जुड़िए ताकि साडा ध्यान जड़ा है वह लग जाए, असी परमात्मा नू पा सकीए। जी मोन भयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही। हुण इन्हें परमात्मा की प्राप्ति वास्ते की यतन किया, मौन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही। इन्हें मौन वर्त धारण कर लिया, लोग इनू आके बुलाते ने वो चुप करके बैठा बोलता ही नहीं। कहिंदे वो दूजा नाल चेला दसदा बई इन्होंने मौन वर्त धारण किया, कहिंदे क्यों कि परमात्मा नू मिलन वास्ते मौन रख्या होया। कर पाती रहे हो वो कहना भी भांडा जड़ा वो मैं वरतना ही नहीं, बना च फिरदा है। जिमें वैसे तो किसी साधु ने लिखा पप्पा आखदा पाप दया पैसिया तो पलिया गुना करोड़ कंगालिया ने, आया तली में गली में बैठ खाया ए दूपरे की होर खुशहालिया ने। जे तेन मिलया खाने वास्ते हाथ ते रख खा लै, गली च बह के खा लै, सब तो खुशहाल बंदा तू है। लेकिन जे परमात्मा नू पाउण वास्ते तुसी थाली त्याग दित्ती कि मैं हाथ ते ही खाना कर पाती रहना, एवें परमात्मा नहीं मिलना। मौन पयो कर पाती रहे हो नगन फिरो बन माही। पिंडे ते कपड़ा भी धारण करना पसंद नहीं किया कि मैं नंगे ही रहना, नगन ही रहना है क्योंकि मैं कपड़ा पाउणा नहीं। बई सारे जिहड़े जीव जंतु ने संसार दे विच 84 लाख जीव जंतु हन, जिहदे विचों एक इंसान जिहड़ा है इनू कपड़ा पाउण दी सोझी दित्ती हुई है। 83,99,999 ऐसे जीव ने जिन्हां नू इह सोझी नहीं, उन्हां नू जिहो जिहा भी है उन्होंने वस्त्र दे के तोरिया, ढक के तोरिया होया, वो नंगे नहीं। नंगा सिर्फ जीव है, कपड़े दी सिर्फ इनू लोड़ है। जदों कपड़ा नहीं बनया सी इन्हें पत्तियां नाल भी अपने बदन नू ढकिया, वड्डे पत्तियां दे नाल अपने बदन नू ढकिया। ते हुण जमाना ऐसा आ गया कि बहुत भांत भांत दे कपड़े ने, कपड़े हुंदे सुंदे भी अज जमाना किधर नू जा रहा है कि कपड़े भी पाए हुए ने बदन फिर भी नंगे दा नंगा ही है। देखो तुसी क्यों, वो कहिंदे दीजे बुद्धि विवेका, विवेक दी घाट है, बुद्धि दी घाट है। अज उन्हां पंछियां नालों भी माड़ा है ये जीव जिन्हों इन्ने कपड़े दिंदा उपर वाला कि तू रज के पा। जे दुकान ते जाने हो कहिंदे भी 5 मीटर तो देना ही देना कपड़ा उन्हूं, तो वह हैरान होंदे ने जिहड़े कपड़ा दिंदे ने कि कपड़ा तो 5 मीटर मैं ही दिता सी पर यह सारा दर्जी ही खा गया, कुड़ी दे कपड़े तो पिंडे दे है ही नहीं। वो कादे वास्ते क्यों नगन फिरदे आ? इस तरह परमात्मा नहीं मिलता, ना ही दुनिया खुश हो सकती है। एक मजाक का पात्र जड़ा है वह जीव जरूर बन जाता है। चार बंदे इधरों भी हसते हैं, चार बंदे इधरों भी हसते हैं। जिन्ना इनू ज़्यादा असी कजांगे उन्नी ज़्यादा जड़ी साढ़े बदन की शान जड़ी है वह बनती है। जदों कोई कहना ना, मैं एक सीधी जी गल कह दिनी हाँ, जदों कितने बोर्ड लिखा होया ना कि इधर जाना गुनाह है, इधर जाना प्रोहिबिटड है, मनाही है, तो असी जरूर चोरी चोरी देखांगे कि इधर क्यों मनाही है, गल की है, असी ढूंढ लैनी है वो गल कि क्यों मनाही है। जड़ा कज्जा होया चीज़ है उहदी शान जड़ी है वह वक्री है, जड़ी आटोमैटिक ही नज़र आई जाती है उहदी कोई शान नहीं, उहदी कोई लोगों नूं दिलगी नहीं, लोग उहदा मजाक उड़ाउंदे ने। इवें जे साधु कोई बना च नंगा तुरिया फिरदा वह नगन होण दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होनी। वधिया कपड़े पाउणे चाहीदे ने, उहनूं शरीर धारण करना कीता होया तां कपड़िआं दे नाल बदन नूं ढकना भी जिहड़ा वह बहुत जरूरी है। जिवें 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब बहुत सोहना पोशाका, बहुत सोहणे बादशाही वस्त्र जिहड़े सन वह पाया करदे सन, ते इक गुजरात का फकीर जिहड़ा सी उहनूं शंका हो गई कि ये कहाउंदे तां बड़े वड्डे पीर ने सुनिया है ते इहनां दे पुत्तर भी है, इन्हां दी पत्नी भी है, कपड़े भी बड़े सुंदर पाए है, पैसा भी बड़ा लगता, कोई साधु वाली तो गल नज़र नहीं आती। तो उन्होंने कहा पुत्र की ते वैराग की, औरत की ते त्याग की, पीरी की औरत की ते पीरी की, दौलत की ते त्याग की, औरत की ते पीरी की,
हिंदू की ते फकीरी की, उन्होंने ये गल कही पुत्र की ते वैराग की, दौलत की ते त्याग की, क्योंकि पैसे कोले आ दोनों चीज़ा उन्होंने पसंद नहीं आईया। तो पी औरत की ते पीरी की, जे मर्द औरत रखी हुई है तो पीर काला होया, हिंदू की ते फकीरी की। तो उन्होंने जवाब दिता सी पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, औरत ईमान है, पीर ना हिंदू ते ना मुसलमान है। जड़ा फकीर है वह तो हिंदू ते मुसलमान की गल कोई नहीं, जड़ा पुत्र है वह निशान है, वह होना जरूरी है। अगे दीवे नाल दीवा जगेगा, दौलत गुजरान वास्ते बड़ी जरूरी है। दौलत तो बिना मैं किसी के हत्थों तो वाल वेखांगा, मैं मंग के खावांगा, मैं खाना भी है, दसा नौवां की किरत करके खानी है, दौलत जरूरी है। औरत ईमान है, औरत तो बिना तो ईमान ही नहीं। एक मर्द कल्ला घरे बैठा कोई वो घर आना पसंद नहीं करेगा, कल्ला रहिंदा वो कल्ला ही बैठा रहेगा। कोई बंदा बेशक वो आ जाए, कोई औरत जी घर नहीं आएगी, लक्ष्मी वो घर नहीं आएगी, क्योंकि वह कल्ला है। जे वो घर औरत है 10 औरतें शाम तक गेड़े मारनगियां, क्योंकि वह ईमान है, वो ईमान बरकरार है उसका कि वो घर वो औरत है। आंढ गुआंढ दियाँ रिश्तेदार सब बड़े भज्जे आएंगे कि उन्होंने मिलेंगे। औरत है नहीं कोई घर नहीं आता। वो कहते औरत ईमान है, इनू मैं किमें दस दया फकीर। इस करके फकीरी ना वो हिंदू तो मुसलमान का कोई संबंध नहीं, फकीरी तो फकीरी है, क्योंकि फकीर जड़े बनना है वह मन नाल बनना है, शरीर नाल नहीं बनना। इन्हां गल्लां तो विवर्जित किया है पंचम पातशाह ने जी। मोहन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बहन माही, तट तीरथ सब तरती प्रमियो, दुबदा छुटके नाही। तट तीरथ सब धरती प्रमियो, दुबदा छुटके नाही। तीर्थां ते जा जाके भ्रमण भी करे आया तू, इशनान करे आया जाके, पर तेरे मन दी दुबदा जिहड़ी है वह खत्म नहीं हुई। भाई गुरदास जी लिखते ने, पंच बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नहाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नहाए का। कहते तू पंज बार गंगा जी जाया आ, पंज बार प्रयागराज ना जाया आ, कोई फर्क नहीं पिया। जे तू घरे बैठे ने पुन लैना सीगा, एक गुरसिख का इशनान करा दिंदा, बैठ के चंगी तरह मल के उहदा पिंडा मैल ला दिंदा, तेरे इन्ना फल जड़ा है वह तैनू मिल जाना सी। किड्डा वड्डा पंच बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नहाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाए का। सिख को पिलाए पानी, पाओ कर कुर खैत, अश्वमेध जग फल सिख को जिवाए का। किड्डा वड्डा फल है, जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। जैसे 20 बार दर्शन साध का किया काहू, तैसा पुन सिख को चाप पग सुएगा। कहने एक सिख नू प्रेम नाल भोजन छकावे, अश्वमेध यज्ञ जिन्ना फल मिल जाना। जे सात मंदिर सोने दे उसार देवें, उन्ना जड़ा फल तेनू मिलना सी ना, वो किसी एक बंदे नू गुरु दे शब्द दा भेत दस दे तू कि आ गुरु दा शब्द दा पे है, मंत्र है तेरा, जड़ा उन्ना पुन जड़ा वो तेनू मिल जाएगा। एक साधु दा 20 बार दर्शन करके आओ, जड़ा उहदा फल तुहानू मिलना है ना। साधु दा दर्शन एक बार भी करो ना, बड़ा पुन मिलता। 20 बार दर्शन करो लगातार, उस पुन का जोड़ा फल थोनू मिलना है। उन्ना फल एक थके हुए गुरसिख के पैर कुट के उन्होंने सुवा दौ, कि नींद आ जाए थोनू उन्ना फल मिल जाना है जिन्ना 20 बारी साधु का दर्शन करके मिलया। फिर किड़े लोड़ है, किड़े तीर्थ जाना है, किड़ी गंगा जाना है, किड़ी यमुना जाना है, कुछ नहीं। पानी है, स्रोत है, एक कुदरत वाले ने बनाया है। जे पानी ना हों जीवन की हों, पानी की लौड़ सी,
वो पानी की लोड़ होने करके जिमें अज रौला पै रहा पानी खत्म हो गया जी पानी की वरतों घट करो जी पानी नू बचाओ जी थां थां ते रौला पै रहा उन्हें पानी का खुले भंडार सानू दिते ने कि मेरा जिहड़ा जीव संसार ते भेजा ये औखा ना हो जाए असी पानी की पूजा करनी शुरू कर दी क्योंकि वो बिना सरदा नहीं सूरज की पूजा करनी शुरू कर दी क्योंकि वो बिना सरदा नहीं किन्ना अग का गोला है लेकिन सरदा नहीं चार दिन कितने ना निकले सारे घर च मुश्क पैदा हो जाएगी सरदा ने इस करके असी नमस्कार करते हैं दूरों दूरों नमस्कार करते हैं तपते सूरज में वेख के घबराहट भी आती है लेकिन सूरज बिना सरदा भी नहीं इस करके वह कहते हैं इन गल्लों तो परे हो जा जे तू परमात्मा नू मिलना है जी मन कामना तीरथ जाए बसो सिर करवत तराए कहते मन दे विच कामना आ गई कि मैं मर के मुक्ति प्राप्त करा तो ये एक विश्वास अंधविश्वास जहाँ बनया सी पुराने जमाने दे विच कि काशी जी दे विच एक आरा है रख्या होया कि जिस बंदे ने काशी जी जिहड़ा मर जाता वह मुक्त हो जाता है ये विचार से कि काशी जी च प्राण त्यागन वाला मुक्त हो जाता है तो थानू पता होएगा कि काशी जी च शमशान घाट 24 आवर्स खुला रहिंदा आम शहरां दे विच 7 बजे 8 बजे 6 बजे बंद हो जाता कि नेरा हो गया भी हुण इस तो बाद नहीं वो जिहड़ा बंदे दा शरीर है उसनू रख लिया जाता लेकिन काशी जी च 24 आवर 24 दे 24 घंटे शमशान घाट खुला रहिंदा वो एक विचार बनी हुई है कि इत्थे तां जिहड़ा मर जाता है उन्हें मुक्त हो ही जाना इत्थे कोई बंधन नहीं उत्थे एक आरा रख्या होया वो आरे दे विच मतलब उन्होंने है कि वो आरे दे थले अपना गर्दन भी मरन वेले तकलीफ तो होनी है जिहड़ी 5 मिनट हुणे चल लो मर जावांगे मुक्त हो जावांगे मन मर्जी नाल जाके उस आरे दे थले बंदा पै जांदा सी ते अपना शरीर कटवा दिंदा सी तो कहिंदा सी मैं मुक्त हो गया कहिंदे इदां करन नाल तैनूं मुक्ति नहीं मिलनी सिर करवत धराउण दे नाल करवत हुंदा आरा उहदे नाल तैनूं मुक्ति नहीं मिलनी मुक्ति दे होर साधन ने मुक्ति दी लई भगती दे होर मतलब है ये लोगों ने बनिया बनाईया गल्लां जिवें कबीर साहब नूं कहा सी कि तुसी सारी उम्र तक काशी जी च रहे ते अंत समय जाके तुसी मगहर चले गए ये कोई गल नहीं बनती तुसी काशी जी प्राण त्यागो वो कहिंदे काशी ते मगहर दा तुहाडे च फर्क होना मेरे च कोई फर्क नहीं काशी ते मगहर दा मेरे मन दे विच कोई फर्क नहीं कोई गल है वह भी उही है तो वह भी उही है क्योंकि जिहड़ा गुरु का भगत है वह जे काशी जी च मर जाता है तो भी कोई फर्क नहीं जे हड़ंबे मर जाता है तो भी कोई फर्क नहीं क्योंकि वो लिव जी इमारत लगी हुई है सो इस तरह उन्होंने सानू उपदेश किया है कि बई तुसी अपने आप नू सही मार्ग पर लैके आओ जे परमात्मा नू मिलना है इन्हां भरमां वहमां दे विचों बाहर निकल जाओ जी मन कामना तीरथ जाए बसो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरे एह बिद जो लख जतन कराए इस तरह कहते मन की मैल उतरनी नहीं चाहे लखा ही यतन कर ला लखा यतन किन्ने होंगे है कहना सौखा है कि मेरी थोनू लख वारी प्रणाम है कदे करके तो वेखो तुम 10 वारी करके थक जाओगे लख कहन ना लख वारी प्रणाम नहीं होंगी लख वारी करनी ही पैंती है पर असी तो एक बारी करके लख वारी प्रणाम कह दें जे लख यतन कराए तू लखा यतन कर ला तू ए छुट नहीं सकता क्योंकि मालक के दर से आने वास्ते सानू कुछ गुण जड़े ने वह धारण करने पैने जिमें कबीर साहब ने लिखा है बड़ा सुंदर कबीर साहब के श्लोक चलते ने गुरबाणी के उन्होंने लिखा कबीर रोड़ा होए रे हो बाट का किन्निया गल्लां उन्होंने दसिया ने मालक नू मिलन वास्ते लेकिन अखीर ते आके सारिया ही कटतियां उन्होंने वो कहिंदे इदां मिलना नहीं कबीर रोड़ा होए रे हो वाट का ताज मन का अभिमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान कहिंदे रोड़ा हो जा वाट दा रस्ते दा रोड़ा भी कोई कीमत नहीं मेरी तू ये बन जा
तेनू जे परमात्मा मिलना ता मिल सकता है, एवें मिलता नहीं। राह दा रोड़ा बन जा, क्योंकि जे किसी घर दे विच रोड़ा पिया कितें ना कितें कंध ते लगूगा, संभाल के रख लूगा अगला, तो रस्ते दा रोड़ा बन जा। नाल दी नाल उन्हां दे मन च ख्याल आउंदा कि यह भी गल गलत है। रोड़ा हुआ तो क्या भया, जा पंथी को दुख दे, ऐसा कोई दास होए जो तरनी महके। कहने रोड़ा होया तां की हो गया, जिहड़ा आउंदा जांदा राही मुसाफर है उहदे पैर च खुबूगा, किसी दे लहू निकलूगा, उहनू दुख दिता, कुछ नहीं खटिया, परमात्मा नहीं मिलिया, क्योंकि रोड़ा बन के तू मुसाफर दे वास्ते दुखदाई बन गया, उहदे वास्ते इक चुभन दा कारण बन गया। ऐसा कोई दास होए जो तरनी महके, जिवें मिट्टी दे जमीन दे उत्ते खेह है ना, एवें बन जा, क्योंकि वह मिट्टी किसी नूं चुभदी नहीं। उन्होंने कहा भी चलो जे रोड़ा नहीं तो फिर खेह बन जाओ। फिर सोचते ने खेह बन के भी की किया, कुछ नहीं मिलना। खेह हुआ तो क्या भया, जा उड़ उड़ लगे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कहने मिट्टी हो गया की होया, जो कि जाके थोड़ा जा किसी ने जोर दी पैर रखिया उहदे विच, या कोई चीज़ निकली कोलों दी, तू उड़ उड़ी मूँह सिर सारा भर गया, उड़ उड़ लगे अंग। कहने कोई उसका फायदा नहीं होया, एक व्यक्ति तुरिया जांदा उहनू मिट्टी नाल भर दिता। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग, जिवें पानी सरबंग दे विच सर इको जिहा रहिंदा है, इस तरह जिहड़ा जीव है वह होना चाहिए। फिर कहने नहीं, फिर कबीर साहब नूं तसली नहीं हुई। पानी हुआ तो क्या भया, जा सीरा तत्ता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसे हर ही होए। पानी हो गया की होया, कोई नहीं, कदे गर्म हो गया कदे ठंडा हो गया। जे ठंडा हो गया तो गर्म करके नहाउण दी लोड़ है, जे गर्म हो गया तो टूटियां छड़ दई दियां कि ताज़ा पानी कढ़ो ठंडे नाल नहावांगे। गर्म तो ठंडा होना सुभा है, यदा सूरज की तपश नाल इन्हें गर्म हो जाना है, बहुती ठंड नाल ठंडे हो जाना है, ये भी कहते यदा गल बनती नहीं। कहते इस तरह मिलेगा, तेन एवें होना चाहिए जैसे हर ही होए, जिमें प्रभु का सुभा है उवें बन जा। वो प्रभु का सुभा कितों मिलेगा, सतगुर तो मिलेगा, गुरु तो मिलेगा। होर प्रभु के सुभा बारे जानने का थोड़े कोई साधन नहीं, गुरु दसेगा कि वह की सुभा है, क्योंकि वह सुभा गुरु के विचों चलकेगा, वह सुभा गुरु के विचों ही पैदा होना है। गुरु ही अकाल पुरख का रूप है, वो वर्गा तू बन जा, मैं फिर तेन परमात्मा मिल जाएगा जी। कनक कामनी है वर गैवर, बहुविध दान तीर्थां तो बाद ये दान वाले पासे नूं तुर पिया कि मैं इशनान कराया हूँ, मैं दान करांगा शायद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कनक कामनी हैवर गैवर बहुविधि दान दातारा, उन्हें सोना भी दान किया, इस्त्री भी दान की, हाथी घोड़े भी दान किए, बहुविधि दान दातारा। जो वो दिमाग च आया दान कौन करेगा, जिदे को पैसा है, तो गरीब कोल खड़ा वेखदा भी जे मेरे कोल होवे मैं भी दान करा, उहदे मन च इक हवा जिहा हुंदा कि इहने तां बहुत कुछ खट लिया मैं तां रह गया। लेकिन नहीं, गरीब जिहड़ा है उहदी भावना जिहड़ी है वह बहुत उच्ची है, उहदी इच्छा है मैं दान करा। वह जिहड़ा दान कर रहा वह हौमे च दान कर रहा कि मेरे कोल इन्ना है मैं दान कर रहा, वह खाली है जिहड़ा कह रहा मैं दान करा, कर नहीं रहा, वह दान कर रहा है, क्योंकि उहदी भावना जा की रही भावना जैसी प्रभ मूर्त देखी तिन तैसी, उहदी उहो जी भावना है उहनू उहो जिहा परमेश्वर मिल जाएगा। कहिंदे इस तरह नाल दान करन दे नाल भी परमात्मा मिलना नहीं, तू पत्नी तक भी दान कर दे, सोना तक भी दान कर दे, तैनू कुछ भी मिलना नहीं जी। कनक कामनी है वर गैवर, बहुविध दान दातारा, अन्न वस्त्र
भूमि अर्पे नहीं मिली हर द्वारा। अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे नहीं मिली है हरिद्वारा। कहने जिन्ना मर्जी तू अन्न वस्त्र अर्पण कर दे, हरिदा द्वारा मिलना नहीं। हरिदा द्वारा उदी दया नाल उदी कृपा नाल ही मिलेगा। सो किड्डे भागा वाले जीव अज असी जिहड़े गुरु दरबार दे विच आए हुए हैं, हरी दी कृपा साडे ते अपार होई हुई है कि असी उहदे दरवाजे ते आके उहदा दर्शन दीदार कर रहे हैं। साडे नालों वड्डे भागा वाला कोई नहीं। जो व्यक्ति औखा सौखा डिगदा टहिंदा किते गुरु दरबार दे विच पहुँच गया ना, उहदा बेड़ा पार हो गया। उहदे बेड़े नूं रोकण वाला कोई नहीं, उहदे बेड़े च रुकावट पाउण वाला कोई नहीं, क्योंकि वह गुरु दरबार की रहमत दे विच आ चुका है, इन्नी कृपा दे विच आ चुका है। वो कृपा मिट नहीं सकती। संसार मिट जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा कदे मिटदी नहीं। गुरु की कृपा जदों साडी झोली च आ गई, होर जिहड़ी प्रफुल्लत है वह हुंदी जाएगी, होर रंग चढ़दा जाएगा, होर नूरों नूर हुंदे जावांगे। गल इन्नी है कि गुरु कृपा जे नरको कीनी ते ये जुगत पछाणी, नानक लीन प्यो गोबिंद स्यो जो पानी संग पानी। जे गुरु की कृपा हो गई तो इहदा मतलब साडे ते गुरु की बहुत ही दया मेहर है। इस तो वध होर कुछ नहीं चाहिए। खाण पीन असी रोज़ जो कल खाधा है सानू अज याद नहीं, जो परसों खाधा है अज बिल्कुल ही याद नहीं, चौथे वाला तो असी बहुत देर बाद सोचांगे, असी भुल गए। जो कल रुखी मिस्सी खाधी सी वो सब कोई याद नहीं। अज जो खाधा है हुण खाणा है वो याद है, कल नूं जो खाणा उहदी फिक्र है। लेकिन गुरु की कृपा जिहड़ी है वो इन्हां सारियां चीज़ां तो सारे खाणिया तो सारे पहराव्यां तो सारे ऐशो इशरत तो किते गां है। सो ऐ भाई गुरु की कृपा नूं आपदी झोली च पा लै, तेरा कुछ भी बिगड़ना नहीं, कख भी तेरा बिगड़ना नहीं, तू तंदुरुस्त बेहद वधिया रहेगा ते मालक नूं याद करेगा जी। पूजा अर्चा बंधन डन डाते खट कर्मा रत रहता। कहते मेरे पूजा करता है, वंदना करता है, अर्चना करता है। अर्चना मतलब कोई चंदन वगैरह ला लेना, फुल चढ़ा देने, इन अर्चना कहते ने। तो ये कहते खट कर्मा भी छे कर्म जड़े ने, छे कर्म दान लेना, दान देना, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउनी, यज्ञ करना, यज्ञ कराउना, ये छे जड़े ने ये कर्म हन। इन्हां नूं मन्नदा हो कि इहदे नाल मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं यज्ञ भी करा, मैं विद्या दान भी करा, मैं विद्या भी पढ़ा। कहते इन्हां नाल भी तेरा कुछ नहीं बनना, ये खट कर्म जड़े ने इन्हां नाल भी तेरा कुछ नहीं बनना, इन्हां तो भी तां हो। तेरा बनेगा गुरु कृपा दे नाल बनेगा, जदों तेरा कुछ बनेगा गुरु की रहमत नाल बनेगा। एवें बनना नहीं ते तू जा गुरु की शरण च जा। औखा हो के मैं वेखदी हाँ कई बार कोई टैलीविजन दे विच प्रोग्राम चलता है या सुनते हाँ कि माता दे दरबार च संगतां जांदियां ने, डंडौत बंदना कर दियां जांदियां ने, डंडौत बंदन लम्मे पै पै के उन्होंने रस्ता जिहड़ा है वह पूरा करना है। चलो गुरु का उन्हों का विश्वास बनया हो, माता साढ़े कोल है, माता साढ़े इस बॉडी दे विच है, कंठ दे विच बैठी है, माता साढ़े बिल्कुल कोले है, माता तो असी परे नहीं, कोई भी परे नहीं, कंठ दे विच बैठी है। लेकिन सानू गुरु महाराज ने अखा तो उपर लजाता, जदों लै ही उपर गए अखा दोहां परवटियां दे विचकार जिहड़ा ये अस्थान है, इत्थों उन्होंने शुरू किया साडा रस्ता, तो वह माता रह ही थले गई तो असी की कर सकते हैं। माता का स्थान ही हेठा रह गया, तो मैं हूँ पुठी मुड़ के माता नूं वेखा ये संभव नहीं। इस करके मैं जाना सीधे। कई लोग कहते ने ये राधा स्वामियों नूं पता नहीं की हो जाता है, सारा कुछ ही छड्ड दिंदे है। भी जो विष्णु बैठा ही धुन्नी च है तो जो मेरा ध्यान ही उपर जा रहा है, मैं उपर नूं जा रही हूँ, पतंग तह नूं जा रही है, वह थले की करन वास्ते आएगी? वो तो थले उदों आएगी जदों कट्टी जाएगी, एवें थले नहीं आउंदी पतंग, वो उपर ही जा रही है। मैनू तो महाराज ने उपर जाण दा रस्ता दस्या, मैं कादे लई विष्णु कोल जावांगी, कादे लई शिवजी कोल जावांगी, कादे लई ब्रह्मा कोल जावांगी, कादे लई मैं इत्थे
अष्टंगी को जावांगी, क्योंकि मेरा मार्ग उपरला है, छुड़वाया नहीं उन्होंने, वो कहते तेरे शरीर के अंदर ही ने भाई, तेन मैं रस्ता दसिया जेड़ा तेन सचखंड लैके जाएगा, तू तो होर ही पासे रुझा पे, इन्हां गल्लां चो निकल जा बाहर। जे ये गल्लां चो बाहर ना निकलना हुंदा, दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नूं तड़के 4 बजे सुंदर सुनखी सोहनी औरत दे दर्शन ना हुंदे, जिहड़ी झाड़ू ला रही सी गुरु दरबार दे विच, जिहड़ी 16 शिंगार कीते हुए सन, लाल वस्त्र गेरुआ पाए हुए सन, तो उन्होंने पूछा क्योंकि माता तो चले सन, माता तो चले सन रस्ते गुरु नानक दे डेरे च रुक गए, उत्थे उन्होंने वेख्या भी ये तो इन्नी सुंदर स्त्री है, इन्नी तड़के तड़के तैयार होके आ गई। पूछा उन्होंने, माता तू इन्नी सवेरे सवेरे कितों आई है, किवें आई है? कहिंदी मैं उही हाँ जिथे तू चलिया सी, तू मेरे दर्शन करन चलिया सी ना, मैं तैनू इत्थे आ के दर्शन देते कि तू गुरु के चरणों का दास बन गया, तू मेरे को नहीं आना, इतों मैं कुछ इकट्ठा करके जेडे गुरु के सेवक ने उन्हां कोल इन्ना धन है, संतां महात्मा कोल इन्ना धन है कि खत्म नहीं हो सकता, इतों मैं इकट्ठा करके झोली च पा के लिजावांगी, आपदे भगतां नूं पूरा 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 वंडांगी जाके। कित्थे गई गल? इस करके सानूं संतां ने यह नहीं कहा कि अष्टंगी है नहीं, सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ एक माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दिमान, जिव तिस पावै तिवे चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै ओना नज़र ना आवै, ओ वेख रहा उन्हां तिन्हां नूं, ब्रह्मा नूं भी वेख रहा, विष्णु नूं भी वेख रहा, शिव जी नूं भी वेख रहा, ओ वेखै ओना नज़र ना आवै, बहुता है विडार, इन्हां नूं कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा कि भगवान कित्थे है। कई लोग मैं बहस करते सुने ने, कोई राम जे गुरु ग्रंथ साहब दे विच राम दा नाम ना हुंदा ना, ला गुरु ग्रंथ साहब की सी, राम नूं विचों कढ दिओ, गुरु ग्रंथ साहब तो खाली है। ओ भाई राम नूं विचों कढ के राम दा की मतलब लैंदे हो तुसीं? कोई कहिंदा जी 1758 वारी नाम इहदे च राम ही आया, राम तो बिना गुरु ग्रंथ साहब दा मतलब ही कोई नहीं। उन्होंने राम दशरथ दे पुत्र राम नूं नहीं राम कहा, उन्होंने उन्होंने नहीं कहा कि वह राम की गल कहा, उहदा भी जिक्र आया, ये गल नहीं, उहदा भी उन्होंने उस्तत की है, वडियाई की है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, लेकिन जे 1758 वारी या 54 वारी आया है नाम, उन्होंने हर वारी उस राम की उस्तत नहीं की। उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन हूँ ते न्यारा, वो जरा इन हूँ ते न्यारा है उसकी पूजा कर रहा मैं, वो राम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है। एक राम दशरथ का बेटा वो है होया, एक राम घट घट में लेटा मनी राम, थां थां ते नौवें पातशाह ने कहा साधो मन का मान त्यागो, मन रे प्रभ की शरण विचारो, मन नू संबोधन किया, एक ए राम है, एक राम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिहड़े संसार की पालना कर रहे हैं, लेकिन एक राम ये सारे रामा की परवरिश कर रहा, जिन्हें रामचंद्र नू भी पैदा किया, मन नू भी पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश नू भी पैदा किया, वो राम इन सारे रामा तो न्यारा है, वो राम का जिक्र आया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। पूजा अर्चा बंधन दंडोत खट कर्मा रत रहता हो करत बंधन में पड़या नहीं मिलिए ए जुगता बंधन में पड़िया नहीं मिली है ये जुगता मैं करता कहते बंधना च पै गया ये तरीका भी तैनू परमात्मा दे मिलन दा ठीक नहीं ये भी नहीं युक्तियां दसिया ने बई इशनान करके तीर्थ ते जाके दान करके पुन करके किहड़े ढंग नाल तू परमात्मा नू पा सकदा है वो सारिया ही पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नालों नाल रिजैक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस तरह परमात्मा मिलता नहीं जी। जोग सिद्ध आसन चा राशि ए भी कर कर
रहे जोगियां दियां 84 आसन ने उन्हां दे सिद्धां दे जोगियां दे कहिंदे मैं ओ 84 आसन भी कर ले जोगियां ने मगर भी लग के वेख लिया सिद्धां ने मगर भी लग के वेख लिया 84 आसन भी मैं कीते कि इदां परमात्मा दा जिहड़ा तैनूं द्वार है वह मिलेगा उवें भी मैनूं कुछ नहीं मिलिया इन्हां ये उही योग है कि श्वास लम्मा आ गया श्वास छोटा आ गया ये श्वास दिमाग च पहुँच गया इन्हां गल्लां दे नाल परमात्मा दा कोई लिंक नहीं इन्हां दा सिर्फ ये शरीर दे नाल लिंक है ये बाडी दे नाल लिंक है उहदे नाल परमात्मा जिहड़ा है उहदा कोई लिंक नहीं जी वड्डी आरजा फिर जन्म हर स्यों संग न गए वड्डी आरजा फिर जन्म हर स्यों संग न गए वो कहते बहुत वड्डी उम्र ली 100 साल का हो गया मैं बई अक्सर कहनी हुन्नी आ असी 100 साल की उम्र सुन के बड़े ही खुश हो जाने पता वो किन्ने दिन बनते हैं 100 साल दे 36,500 दिन बने इन्ने बने ना 36,500 दिन बने तो जे कोई 50 साल जाता 18,250 दिन बने ये किड्डी वड्डी अमाउंट है बई जेब दे विच 36,000 की रकम तुसी पाई हो शाम नू खर्च के हो जाओगे 36,000 रुपया इन्ना ही सुहास है ना 100 साल दे किन्नी लंबी उम्र है जरा जे 100 साल कहने हो थोड़ा मूँह भर जाता कि मैं बाबा मैनू तो बड़ा वड्डा आशीर्वाद मिल गया 100 साल जीऊँगा मैं जरा दिन तक गिन के वेखो 36,500 नोट पा के वेखो किन्ने दिन चलते हो तुहाडी जेब च एवें ही है इन्नी की उम्र मिली हुई है जे जुगचारे यार जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और खाए कह जस कीरत जगले पर जे तिस नज़र ना आवे तो बात ना पूछे के कहते जुगा दे जुग तेरी उम्र हो जाए एक दिन फिर मरना है जे 100 वरिया जीवना पी तन हो सीखे अखीर इन्हें मिट्टी बन जाना है इन्हें खत्म तो होना ही होना है फिर तेन मरण का फिक्र कहदा लग्या होया क्यों फिक्र कर दे वड्डी आरजा कहना जिनी मर्जी लंबी उम्र हो 100 जुगां की उम्र तेरी हो जाए लेकिन तेन परमात्मा इदा भी नहीं मिलना कि लंबी उम्र के नाल मिल जाएगा मिलेगा छोटी उम्र च मिल जाना है 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज 5 साल दू गुरगद्दी मिली 8 साल के संसार तो चले गए जेड़े साढ़े बच्चे स्कूल पढ़न लगते हैं उन्होंने 8 साल तक गुरु का जड़ा रिश्ता सी संगत के नाल नभा के संसार तो भी चले गए क्योंकि रहमत सी गुरु कृपा सी उन्होंने अज संसार उन्होंने याद करता है कि एक छोटे जिन्हें बच्चे भी गुरु रहे सन ये उम्र का कोई तकाजा नहीं कि उम्र लंबी होएगी फिर असी मालक नूं मिलांगे हूँ तो भी 58 साल दे नौकरी की है सच्चे पातशाह 10 साल का सी आराम नाल थोड़ा जरा खा पी लईए फिर तेरे वल जुड़ांगे जदों जुड़न का वेला आउंदा आ गोडे सराहणियां नाल टिकदे नहीं गोडियां च प्रॉब्लम आ जाती है कहिंदा ओहो बड़ा वधिया वेला लंघा लिया ये तो चौंकड़ी खुलदी नहीं सी ये की बन गया वेला लंघा लिया इदा नहीं मिलता वो कहना हूँ 2-3 रख लाए तो दुखन गए ये समस्या सामने है तुहाडे सामने है कि जो असी उम्र की गल करते हैं ज्यों ज्यों वड्डी उम्र होएगी त्यों त्यों प्रॉब्लम वधदी तुरी जाएगी हड्ड गोडे जवाब दे देंगे मास लटक जाएगा हड्डियाँ छट जांदियां ने मास को मास एक हो जाता पासे हो जाता हड्डियाँ एक पासे हो जाए की करोगे फिर कहिंदे मैनू कम वेख के ना जी तो बड़ा ही करदा मैं करा डर लगता कम नू वेख के डर क्यों लगता शरीर कम नहीं करता फिर वो कम डराउन लग जांदा इहनू फिर लोगों को कहिंदा कम तो मैं बड़ा किया दसदा उन्होंने कि कम तो मैं बड़ा किया पर हुण मैनू डर लगता कम वेख के मेरा शरीर कम नहीं करता सेवा उदों भी नहीं की उदों भी मतलब का ही कम किया सेवा नहीं की जी राज लीला राजन की रचना करया हुकम अफारा हर बंदे नू दूजा बंदा वड्डा लगदा जे कोई राजा है वो कहंदा बड़े बड़े तो राजा बन गया फिर उन्हें हुक्म अफार कीता अपना पूरा हुक्म चलाया महाराजा रणजीत सिंह नू वेख लो
होर मुसलमान राजे हुए है। देखो जिवें जिवें उन्होंने आया उन्होंने अपना पूरा हुक्म चलाया, उन्होंने अपनी पूरी लीला जिहड़ी है वह रची। लेकिन इदां भी परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि राजा बन के जे रब मिलता होवे तां कोई राजा खाली ना जांदा, लेकिन इत्थे राजे ही खाली गए आ। जे मिलिया गया फकीरां नूं मिलिया है, राजा नूं तां मिलिया ही नहीं। राजे तां इन्हां फकीरां दे अगे झोलियां अड अड के आउंदे सन कि सानूं पुत्तर दिओ, साढ़े घर बच्चा है नहीं। जहांगीर बादशाह आया ही सी ना, जो तुहाडे नेड़े पिंड है जगरावां, जगरावां पिंड दे विच जहांगीर बादशाह आया सीगा, शाहजहान पैदा होया सी उहदे। उहने देखो एक साधु सीगा, उहने कहा भी मैं इहनां दी जिहड़ी मन्नत है पूरी हो जाती है। वह घोड़सवार लै के बहुत सेना लै के आया, तो महात्मा गुफा च रहिंदे सन, एक बीबी सी उहनां कोल रहिंदी। वह महात्मा कहण लगे बाहर शोर काहदा है, वह देख के आई कहिंदी महाराज रुस्तम हिंद आ रहा। कहिंदे काहदे वास्ते, कहिंदी महाराज जी मैं पुछया नहीं। फिर जाती है, वह कहिंदे जी पुछ के आउंदी है, वह कहिंदे उन्होंने घर औलाद है नहीं, वो औलाद की खातर बाजे गाजे बजा के थोड़ी सेवा चाह रहे, जाओ मोड़ दो। कहिंदे उन्हूं मैनू लोड़ नहीं, जाओ मोड़ दो, वापस भेज दो। जहांगीर बादशाह नूं उस फकीर ने वापस भेज दिता। राजा है, राजलीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा, रब नहीं मिलता। उतों भेजता हुक्म सी एक फकीर का, डर गया वो कि मैनू पता नहीं की नुकसान हो जाएगा, उतों वापस मुड़ गया। जाओ कहिंदे उन्हूं कह दिओ नाल, ये भी वरदान देता उस महात्मा ने, उन्हूं कह दिओ पुत्र हो जाएगा, वापस मुड़ जाए मेरे कोल ना आए। जो पुत्र का वरदान मिल गया उतों मुड़ गया, चला गया, पुत्र हो गया। 9 महीने बाद पुत्र की दात शाहजहान का जन्म होया। वो लैके हुण पुत्र नूं फिर आउंदा सुख देन वास्ते कि मैं उस फकीर दे जावां, उहदी मैं मन्नत करा। सोने दे दीवे बना के लियाया, पता नहीं किन्नी गिनती च, कि जिड्डा जगरावां पिंड है सारे पिंड दे विच दीपावली जिहड़ी है वह अज हो जानी चाहीदी है। वह फरवरी का महीना मेरे ख्याल च बनता है शायद, वह तो उदों जगरावां की रोशनी जिहड़ी अज भी मशहूर है, जगरावां की रोशनी अज भी मशहूर है। ये जहांगीर की बदौलत हुई है, उत्थे अज भी रोशनी की जाती, पर लोगों को पता नहीं कि दीवे असी क्यों जगाने, क्योंकि वह हौली 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 भुल जाते हैं। वो जिहड़े दीवे सन जगाए गए, उन्हें जदों बाजे गाजे वजे फिर वह औरत नूं भेजिया, कहिंदे जाओ पुछ के आओ कौन आया। वह कहिंदे महाराज ये जहांगीर ही आया अपने पुत्र की सुखना सुखी सी पूरी करने वास्ते आया। कहिंदे अच्छा, कहिंदे की लैके आया। महाराज ने पूछा की लैके आया, कहिंदे महाराज सोने के दीवे लियाया ताकि शहर के विच रोशनी की जा सके। कहिंदे जाओ कह दो रोशनी कर दे, जाओ रोशनी कर दे। हुक्म किया एक फकीर ने कि रोशनी कर दे, वो फकीर का वचन अज भी पूरा हो रहा, अज भी जगरावां च रोशनी हो रही है, और कितने होवे चाहे ना होवे। जी राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा, सेज सोनी चंदन चोआ, नरक कोर का द्वारा। बहुत सोनिया सेजा दे पहनना है, बिस्तरिया दे पहनना है। कहते निरा नरक है कुछ नहीं, ये शरीर नूं आराम मिलिया है लेकिन आत्मा नूं आराम नहीं मिलिया, एक नरक भोग रहा है, इस तो वध कुछ नहीं। जिन्हों असी स्वर्ग कहने ना, महाराज ने नरक कहा। जिन्हों असी कहने कि आह मैं तो स्वर्ग के झूठे लै रहा, बड़ा सुंदर मेरा बिस्तर है, महाराज कहते इस तो वड्डा नरक कोई नहीं। जी हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर मा। सब तो उत्तों जे कोई कर्म है, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। हरी दी कीर्ति करनी साध दे संगत दे विच सब तो उत्तम कर्म है, इस तो वड्डा कोई कर्म नहीं। जिन्ने कर्म गिने ने सारे उन्होंने
नीवे कर दिते, छोटे कर दिते कि इन्हों का कोई फायदा नहीं, एक साधु की संगत कर लेनी तो हरी का कीर्तन कर लेना, वह जस गा लेना सब तो वड्डा कर्म है जी। कह नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूरब लिखे का लहना। कहो नानक तिस पयो प्राप्त, ये साध संगत किनू मिलेगी, जिस पूर्व लिखे का लहना, जिन्हों पहले किते हुए कर्मा का कोई जड़ा फल है पुन है वो मिलना है, उन्हों साध संगत मिलती है, हरेक व्यक्ति नू मिलती नहीं। शहर तो सारा ही वसी जाता है, किड्डा वड्डा मोगा शहर, किन्ने गाए है साध संगत के अंदर, कई एहोजे जाते हैं एहोजी थावां ते जिथे विखावा करते हैं, कितने एहोजी थावां ते जाते हैं जिथे उन्हों का नाम हुंदा कि मेरा पता लगेगा कि मेरी हाजिरी भरी गई, वो साध संगत दे विच जिथे साडा असी नाम करन जाने आ वो साडी हाजिरी नहीं, तू मेरी छिपे रहन दी चाह ते छिप टुर जान दी हाँ पूरी हुंदी ना ही मैं तरले लै रहा। एक बनफशा का फुल परबत दी कंदरा दे विच उग खड़िया, वो कहिंदे भी तैनू होर कोई थां नहीं लभी, किड्डी सोहनी तेरी सुगंधी है, किड्डा सोहना तेरा रंग रूप है, तू कि उच्चे पहाड़ से आ पैदा हुंदा। वो कहिंदा मेरी इक्को ही खास सी, मेरी छिपे रहन दी चाह ते छिप टुर जान दी, कि मैं छिपे आया तो छिपे ही चला जावा हाँ पूरी हुंदी ना ही मैं तरले लै रहा, फिर मेरी खुशबू कितने ना कितने चली जाती है, फिर मैनू कोई ना कोई आके ढूंढ लैंदा है कि आ बैठा है, कहिंदी पर मेरी वो कामना पूरी नहीं हुई तो मैनू लोग फिर आके देख लेंदे ने। जिहड़े साधु ने वो छुप के रहना चाहुंदे आ कि मैं की लैना, उन्हां च मैं नहीं, उन्हां च ये नहीं वड्याई की भावना नहीं कि मेरे अंदर वड्याई मेरा जग ते ना होवे, किने वेख्या कोई वेख्या किसी ने ना, ये तो सिर्फ सेवा है जे किसी साधु की या साध संगत की हो जाती है वो वर्गा उच्चे भागों वाला जीव होर कोई नहीं जी। तेरा सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एह मान राता। नानक कहते ने हे सच्चे पातशाह मैं तेरा सेवक हाँ, तेरे रंग विच रंगया होया हाँ, बस यही मेरी कामना है कि दिन रात तेरे रंग विच रंगया रवा, दिन रात मैं तेरे कीर्तन च रंगया रवा, दिन रात मैनू तेरी साध संगत मिलती रहे, एवें याद नहीं आता। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो साध संगत दे विच बननी है वो कल्ले बैठ के भजन करदिया भी साडी नहीं बनती, कदे वेख लेना चौकड़ी मार के बह जाना कि अज मैं चार घंटे छः घंटे सारी रात बैठ के भजन करना है, तुहाडा भजन उन्ना नहीं बनेगा जिन्नी कंसंट्रेशन तुहाडी साध संगत दे विच बनेगी, चाहे इत्थे होर दो घंटे सत्संग हुंदा रहे तुहाडा ध्यान जिहड़ा है जुड़िया रहेगा कि अगला वचन की आउंदा है, अगला वचन की आउंदा है, जुड़िया रहेगा, एक लड़ी बज जाएगी लेकिन भजन दे विच नहीं बजेगी। सो मतलब सारी एकाग्र चित होण दी है, मन दी एकाग्रता दी है, जदों एकाग्रता बन जाएगी जदों चित एकाग्र हो जाएगा परमात्मा साडे कोल ही है, ढूंढन दी लोड़ नहीं, असी आप ही परमात्मा बन जावांगे। जदों साडे अंदर एक ऐसा प्रेम दी झरनाहट छिड़ेगी ना समझो तू परमात्मा ही बन गया, वो झरनाहट जिहड़ी है ना अंदर प्रेम दी वो परमात्मा दा रूप है, उदों तू ते परमात्मा एक अभेद हो गए, एक दूजे दे विच अभेद हो गए, तैनू पता नहीं मैं हाँ कि परमात्मा है, बस असी खुद ही मैं ही परमेश्वर हाँ, मैं ही मैं हाँ, सब कुछ मैं हाँ। रांझा रांझा उन्हें कहा सी ना, सदो नहीं मैनू धीदो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, सदो नहीं मैनू धीदो रांझा हीर ना आखो कोई, वो आप ही कमली होगी कि उन्होंने मेरे अंदरों परमात्मा मैं पा लिया मैं की लैना, वो अपने आप ही अपने आप दे विचों लभ के बैठ गई कि मैनू परमात्मा मिल गया। सो साध संगत की महिमा गुरु महाराज ने गाई है, भ्रमणा दे विच भरमा दे विच फोकट पदार्थों के विचों साडा जिहड़ा मन है वो बाहर कढ़न की कोशिश की है कि बई इन्हां तों बाहर आ जा, एक साध संगत दे नाल जुड़ जे तू परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आओ बेनती करिए, करूं बेनती
दोकार जोरी अरज सुनो राधा स्वामी मोरी सात पुरुष तुम सत गुर दाता सब जीवन के पिता और माता दयातार अपना कर लीजे जाल से न्यारा कीजे सात योग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द की रीता काल युग में स्वामी दया विचारी परगट कर के शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए पौसागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सत नाम सत गुर गत चीना जग मग जोत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा सेत सिंहासन छतर विराजे अनहद शब्द गैब तुन गाजे छर अक्षर नेह अक्षर पारा बेंती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक अलोक पाऊं सुख तामा चरण शरण दीजे विश्राम लोक अलोक पाऊं सुख तामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं बेनती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा स्वामी राधा स्वामी हो यहाँ भुला चुका दी खेमा चाहनी है सच्चे बादशाह सात संगत खेमा बख्शे सुबह